जेएनयू के विधि संकाय में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम में स्टूडेंट्स को प्रवेश नहीं दिए जाने के विरोध में मंगलवार को स्टूडेंट्स ने विधि संकाय बंद करवाकर प्रदर्शन किया। छात्र नेता भूपेंद्र सिंह सांकड़ा के नेतृत्व में किए गए प्रदर्शन के दौरान स्टूडेंट्स का कहना था कि जेएनयू सिंडिकेट की बैठक के दौरान कार्यवाहक कुलपति ने सभी स्टूडेंट्स को प्रवेश देने का आश्वासन दिया था, लेकिन स्टूडेंट्स को प्रवेश देने में आनाकानी की जा रही है। स्टूडेंट्स का आरोप है कि संकाय की डीन और विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं चाहता कि स्टूडेंट्स को प्रवेश दिया जाए। विधि संकाय के स्वपाशित पाठ्यक्रम के लिए सिंडिकेट की मीटिंग में डीन मैडम ने सहमति जता दी कि हम स्वपाशित पाठ्यक्रम पर विद्यार्थियों को एडमिशन देंगे और लगभग 400 विद्यार्थियों ने फॉर्म वेरीफाई करे और उनको गुमराह किया गया। 28-29 तारीख को 30 तारीख तक भी क्या लेट खोल रहे हैं, मीटिंग हो रही है, मीटिंग रद्द हो रही है, मीटिंग हो रही है। इसमें कहीं ना कहीं विधि संकाय के अधिष्ठाता चंदनवाला मैडम और विश्वविद्यालय प्रशासन दोषी और विद्यार्थियों को गुमराह कर रहे हैं। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो सर प्रताप कॉलेज से अपना एडमिशन कैंसिल करवा के यहाँ आए, अब वो विद्यार्थी न तो सर प्रताप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ पर मामला आदर झूले। अगर विधि संकाय की मैडम अपना आड़ियल पढ़ना नहीं छोड़ेगी तो हम उनके इस्तीफे की मांग तक करेंगे।